हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो K12X 5G फ़ोन में आप लोग डुअल ऐप को कैसे चला सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो K12X 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको डुअल ऐप को चलाना है, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह है, तो इन सब ऐप को जो आप लोग डुअल बना सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ गाइस। मान लीजिए अगर आप लोग व्हाट्सअप को डुअल बना दोगे तो व्हाट्सअप का जो ऐप है गाइस, आपके फ़ोन में दो ऐप आ जाएंगे व्हाट्सअप के। तो एक तो वाला पुराना वाला होगा आपका और एक नया वाला एक व्हाट्सअप का ऐप आ जाएगा, जिसमें आप लोग और एक दूसरा नंबर से, अगर आपके पास दो सिम है तो और एक दूसरे नंबर से जो है व्हाट्सअप को लॉग इन करके चला पाएंगे। मतलब दो नंबर से अलग अलग दो व्हाट्सअप को चला सकते हो गाइस एक ही फ़ोन में। सेम इसी तरीके से बहुत सारे ऐप को आप लोग जो है डुअल बना सकते हो और दो दो अकाउंट को चला सकते हो। तो कैसे डुअल ऐप करेंगे आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डुअल ऐप को चलाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस ऐप मैनेजमेंट का। तो इस ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐप क्लोनर का, तो इस ऐप क्लोनर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिए यहाँ पर ऐप्स देखने को मिलेंगे गाइस, जो जो ऐप आप लोग डुअल बना सकते हो। तो जिस भी ऐप को आपको डुअल बनाना है गाइस उस ऐप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट ऐप क्लोन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना। ऑन करते आपका जो ऐप है ये डुअल हो जाएगा। तो मैंने व्हाट्सअप को डुअल किया था, तो अभी हम जाके व्हाट्सअप को चेक करेंगे। देख सकते हो दो दो व्हाट्सअप आ चुके, दोनों ही व्हाट्सअप में अलग अलग अकाउंट को चला सकते हो दो नंबर से। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप्पो K12X 5G फ़ोन में आप लोग डुअल ऐप को चला सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।